नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वित्तीय आपातकाल के बारे में। हमारे संविधान का आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, तो किन कंडीशंस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करी जा सकती है, क्या उसके तहत अधिकार है जो केंद्र सरकार के पास होते हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज सिविल सेवा परीक्षा और अन्य कई गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। इनमें जो पॉलिटी का सिलेबस है वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो अगर आप मुझसे पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए studyiq.com वेबसाइट विजिट कीजिए। पिछले 2-3 दिन से फाइनेंशियल इमरजेंसी की सुगबुगाहट चल रही है। अगर आप सुब्रमण्यन स्वामी को फॉलो करते हैं तो अक्सर वो फाइनेंशियल इश्यूज पे कुछ बातें बोलते रहते हैं और सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ये बात कही कि इकोनॉमिक इमरजेंसी इनएविटेबल है, यानी कि सरकार को फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करनी ही पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ट्विटर पे, ये उनका वो ट्वीट था। इसके अलावा 24 मार्च यानी कि आज जब ये अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले हैं रात को, तो भी कई जगह ये चर्चा चल पड़ी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी जा सकती है। अब हालांकि कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन हम यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, हमें पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में। ये न्यूज़ में रहा है तो इसके ऊपर सवाल पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वित्तीय आपातकाल देश के संविधान में बताए गए 3 तरह के आपातकाल में से एक है। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सके, और आज दिन तक आर्टिकल 360 को इन्वोक नहीं किया गया है। हम एक बार केवल ऐसी स्थिति में आए थे जब लग रहा था सभी को कि ये इन्वोक कर दिया जाएगा, वित्तीय आपातकाल घोषित होगा, वो था 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, देश की वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उस समय भी ये आर्टिकल 360 को यूज़ नहीं किया गया था। अब इस वक्त कोरोना वायरस या फिर COVID-19 के कारण देश के वित्तीय हालात में कुछ बदलाव आएंगे। डेफिनेटली सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर होगा जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो हर रोज़ अपनी तनख्वाह कमाते हैं और उसी पर निर्भर हैं डे टू डे सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा कई स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो लोन पर डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी जारी नहीं रख सकते। उसके बाद होटल्स, रेस्टोरेंट्स, BPO, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, कई ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें लाखों करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं, वो सभी बंद पड़े हैं और इसके कारण भी इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। और अगर ये सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक जारी रहा तो दे कैन डिफॉल्ट ऑन मैनी लोन्स। तो पूरी इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में जा सकती है अगर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर आप COVID-19 के इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अंकित अग्रवाल सर के लेक्चर्स देखिए, उन्होंने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। मैं तो आपको केवल कर्सरी बता रहा हूं। मैं यहां पर मेनली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताने वाला हूं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18। तो यहाँ पर मेनली एबनॉर्मल सिचुएशंस जो होती हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, और इन सिचुएशंस में केंद्र सरकार को एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं, एंड दिस इज टू सेफगार्ड द सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इमरजेंसी के दौरान आपको मेनली ये याद रखना है कि देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर राज्यों को पावर दिया गया है, वहां से हम यूनिटरी की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सारा पावर केंद्र में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ये होता है मेनली इमरजेंसी के प्रोविजंस में। अब 3 तरह के इमरजेंसीज बताए गए हैं। सबसे पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, जो केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के केस में लगाया जा सकता है पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में। उसके बाद होता है आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। तो स्टेट इमरजेंसी काफ़ी बार देखी जाती है, कुछ हर साल कहीं ना कहीं लगती है हर राज्य में। इसके लिए एक कारण हो सकता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। तो ये जनरली पॉलिटिकल रीजंस के कारण लगाया जाता है कई बार, तो इसे हम आमतौर पर प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसे कहा जा सकता है। तीसरी और हमारे लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता पर खतरा हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज एट स्टेक, तब आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्वोक कर सकते हैं। If the president is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत अथवा भारत के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिति खराब है, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 44th Amendment Act ने यह कहा था कि राष्ट्रपति का ऐसा कोई भी निर्णय वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, यानी कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की। तो देखिए, भारत में
हमने ऐसा सिस्टम अपनाया हुआ है कि जहां पर राष्ट्रपति कहने को तो इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे या सारे अधिकार उनके पास हैं, लेकिन वो कोई भी निर्णय बिना मंत्रिपरिषद की इच्छा के नहीं ले सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही उन्हें जब सजेस्ट करेंगे कि आप आपातकाल की घोषणा करिए, तभी आपातकाल घोषित किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय संसद से पारित करवाना जरूरी है। तो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, ये प्रोक्लेमेशन 2 महीनों के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। तो अगर 24 मार्च को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी जाती है लेट से, तो 24 मई तक ये पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाना चाहिए। मान लो कि इस 2 महीने के समय में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या फिर लोकसभा का सेशन ही नहीं है, तो जब भी लोकसभा का नया सेशन होगा या फिर नई लोकसभा गठित होगी उसका नया सेशन शुरू होगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर उस नई लोकसभा में भी ये फैसला पारित हो जाना चाहिए, ये प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, और इस बीच पीछे से राज्यसभा में उसे मंजूरी मिलनी जरूरी है। दोनों सदन अगर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वित्तीय आपातकाल इनडेफिनेटली कंटिन्यू हो सकता है। जी हाँ, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, 6 महीने की या 1 साल की कोई मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। जब तक सरकार यानी कि राष्ट्रपति उसे रिवोक नहीं करते तब तक ये जारी रहेगा, और इसके लिए रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होती है, जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में होता है कि हर कुछ अंतराल पे आपको उसे रिन्यू करना पड़ता है। यहां पर कोई रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है। और वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को संसद में पारित होने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? केवल सिंपल मेजोरिटी, यानी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ में से केवल 200 सदस्य भी प्रेजेंट हैं और उनमें से 101 ने भी हामी भर दी तो भी ये बिल पास हो जाएगा, सेम राज्यसभा के अंदर है। अब अगर वित्तीय आपातकाल हटाना है तो क्या करना होगा? अगेन, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो इसे रिवोक कर सकते हैं, और रिवोक करने के समय कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। जब भी राष्ट्रपति चाहें उसे बस एक सिंपल आदेश जारी करके रिवोक किया जा सकता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। कई जगह आपको गलत लिखा हुआ मिलेगा कि 2 मंथ्स का इसका टाइम है, 2 महीने नहीं होता है, वो केवल अप्रूवल के लिए है लोकसभा राज्यसभा से। अब इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान मेन इफेक्ट जो आता है वो ये है कि केंद्र की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरे देश पर लागू हो जाती है। तो जहां पर राज्यों के निर्णय नॉर्मली लिए जाते हैं उन मामलों में भी केंद्र दखल दे सकता है और सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर काफी बढ़ जाता है। तो सेंटर ऐसे में राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो अगर राज्य कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं अपने स्तर पर तो वो नहीं ले सकते, सेंटर का कहना उन्हें मानना पड़ेगा, और इसके लिए राष्ट्रपति जब चाहे आदेश जारी कर सकते हैं जब भी उन्हें लगता है इट शुड बी एडिक्वेट फॉर द पर्पस। सेकेंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस अनुच्छेद के लागू होने पर राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों की वेतन और भत्ते में कमी करी जा सकती है। रिडक्शन इन सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन बी डन। और साथ ही साथ जितने भी मनी बिल्स हैं विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभा में जितने भी फाइनेंशियल या मनी बिल आते हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, अगर राष्ट्रपति उन्हें अप्रूव करते हैं तो ही वो लागू होंगे, वरना लागू नहीं होंगे। यानी कि ये पावर भी एक तरह से स्टेट से छिन गया है, सारे मनी और फाइनेंशियल बिल्स केंद्र के पास जाएंगे अप्रूवल के लिए, राष्ट्रपति का मोहर उन पर लगेगा। तीसरा, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। इसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी शामिल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारी जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को कम करना बढ़ाना ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान होता है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूं तो वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र के पास सारी पावर आ जाती है, सारी अथॉरिटी आ जाती है, और राज्यों के हाथ से पावर छीन ली जाती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।